क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है। एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्यों हंसती खेलती जिंदगी आम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बताएंगे कि कैसे नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाते हैं। भैया ये आप कहाँ से लिया और कितने इसमें से लिए? ये मैंने 1, 2, 3 मैंने अमेजोन का फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन लिया है। इससे मैंने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में बदला है। ये मैंने मैजेस्टिक में से 3000 रुपये का लिया है। भैया आप कैसे स्मार्ट टीवी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करें, बताइए हमारे व्यूअर्स को जरा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट्स इन द बॉक्स। ओके, ये सब बॉक्स के अंदर है। चलो अभी मैं एक एक आपको डिटेल्स बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन लेना है। ओके तो चलो ये सब इसके अंदर रहेगा। सबसे पहले ये HD स्टिक और सेकेंड ये रिमोट इसके अंदर रहेगा, और ये केबल है इसके अंदर। अगर हम लोग ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम लोग इसको ना देखो, डायरेक्ट केबल भी हम लोग पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्लग लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। ओके बेटर प्लग लगाएं। ओके चलो इस तरह से इसको HD इसमें कनेक्ट करेंगे। ये हो गया कनेक्टिंग। अभी सेटिंग के लिए सबसे पहले लैंग्वेज सेटिंग करने का, फिर इस तरह से फायर टीवी का मोड आएगा। फिर हाँ फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाईफाई कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। वाईफाई कनेक्शन इज़ अ मस्ट। ओके वाईफाई कनेक्शन के बिना ये नहीं हो सकता है। ओके ये लो हमारा वाईफाई कनेक्शन करने का। फिर ऐप्स, अगर आप लोगों को कुछ ऐप्स हैं, डिफरेंट ऐप्स रहेंगे, टीवी ऐप्स। ओके ये सब ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी टीवी ऐप्स आप इस तरह से आएंगे आपके लिए। फिर ब्लूटूथ भी है इसमें, अगर आपको कैरोके इसके लिए कुछ मांगते हैं तो ब्लूटूथ ड्राइव भी लगा सकते हैं। ओके तो अब हमारी स्मार्ट टीवी रेडी हो चुकी है। इसमें आपको एलेक्सा भी मिलेगा वॉइस असिस्टेंट। देखिए मैं आपको यूज़ कर रही हूँ जियो सिनेमा IPL फाइनल। ओके फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड। स्मार्ट टीवी प्रोसेस नाउ एंजॉय स्मार्ट टीवी।